राम सिंहपुरा की इस धरती पर आज इस आयोजन में शहीद शिवराम सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे हुए सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी जो माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पहले तो मैं जब तक सैनिक का कोई कार्यक्रम होता है और शहीद का कोई प्रोग्राम होता है तो भारत माता का जयकारा नहीं लगे तो मैं समझता हूँ वो कार्यक्रम अधूरा रहता है, क्योंकि उस सैनिक ने इस भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसलिए भारत माता का आप सब लोग नारा लगाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है जिस शहीद ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उसका नारा यूं मरे मन से मत लगाना। सब लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे जिनके दोनों हाथ सही सलामत हैं, भगवान ने सही रखे गए हैं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाएगा। और भारत माता की जय का उद्घोष जिसका एक हाथ खराब है वो एक हाथ उठा के जय का उद्घोष करेगा, और भगवान ने जिसके दोनों हाथ ही कंडीम कर दिए हैं वो अपने हाथ नीचे ही रखना, कष्ट मत करना। इसलिए मैं एक भारत माता का उद्घोष करूंगा, मैं देखता हूँ किन किन के हाथ सही सलामत हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद के कार्यक्रम में इतनी जानदार और शानदार रागनी चल रही हो और आप इतने सुस्त बैठे हो, मुझे लगता नहीं कि आप एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम चल रहा है, पुनः एक बार मंच पर उपस्थित पूर्ण जी बैठे हैं, देव कसाणा जी बैठे हैं, सबका सम्मान करते हुए आपकी जो नरदेव बेनेवाल की जो टीम बैठी है उसको भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले नमन करना चाहता हूँ उस माता की कोख को जिस माता की कोख से सही शिवराम जैसा लाडला पैदा हुआ, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण नौछावर किए। मैं नमन करना चाहता हूँ पिता के पौरुष को जिससे शहीद शिवराम जैसा लाडला पैदा हुआ, और नमन करना चाहता हूँ उस राम सुखपुरा की धरती को जिस पर खेल कूद कर वो बड़ा हुआ। इसलिए आप सबका इस पूरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आप लोगों का आभार और आगंतुकों का बहुत बहुत श्रद्धेय आभार है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, आग्रह और मेरा निवेदन है, ये नौजवान साथी बैठे हैं, जीवन सब लोग यापन करते हैं, जीवन में आते हैं और लोग चले जाते हैं, लेकिन जीवन सच्चा वो होता है। एक महाभारत का मैं दृष्टांत बताना चाहता हूँ आप लोगों को। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे हुए थे, जब वहां जाके युधिष्ठिर ने ये पूछा कि पितामह ये बताइए कि व्यक्ति की उम्र क्या होती है, तो भीष्म पितामह ने शैया पे लेटे लेटे कहा कि जब तक व्यक्ति को स्मरण किया जाए, उसको याद किया जाए, वो उसकी उम्र है, वरना मरने के बाद 12 दिन बाद कोई याद नहीं करे तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। ऐसे शहीदों को देश पे मरने मिटने वालों को याद किया जाता है, इसलिए हम लोग इसके मेले लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ, शहीदों का सम्मान और मान करना सीखो, क्योंकि ये शहीद वो हैं जो -35 डिग्री और +51 डिग्री पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब हम नींद में सोते हैं रजाई ओढ़ के, जब ये जग के हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। किसी के भाषणों से ये देश सुरक्षित नहीं है, ना मेरे भाषणों से सुरक्षित है। ये देश अगर सुरक्षित है तो माँ भारती के उन लाडलों से सुरक्षित है जिन्होंने सीमा पर रहकर अपनी गोलियां खाई सीने पर और बंदूकें चलिए, उनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। इसलिए इनका मान और सम्मान करना सीखो, और आप लोग जहां पर भी खड़े हो इनकी वजह से खड़े हो। आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, कोई ये समझे मैं उम्र से नौजवान हूँ, कोई उम्र का नौजवान होता ही नहीं है। कोई ये समझे मेरी उम्र 18 से 35 साल है, मैं नौजवान हूँ, उम्र से कोई नौजवान नहीं होता। कोई ये समझे कि मेरे सर के बाल काले हैं, मैं नौजवान हूँ, सर के बाल काले होने से कोई नौजवान नहीं होता। कोई ये समझे कि जीन्स की पैंट पहनता हूँ, गदर स्टाइल की टी शर्ट पहनता हूँ, मैं नौजवान हूँ, उससे भी कोई नौजवान नहीं होता। नौजवान वो होता है जिसके पैरों में गरीब आदमी को साथ लेकर चलने की शक्ति होती है, जिसके सीने में मातृ हिंद पर मन मिटने का जज्बा होता है, और जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग होती है। नौजवान थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आजाद, राजगुरु सुखदेव प्रसाद, हेमू कालानी, वीर सावरकर, इस्पाकुल्ला खान, बलवंत फड़के और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे मातृ हिंद के लाडले और शिवराम जैसे लाडले जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण नौछावर किए और हमको सुरक्षित रखा। ऐसे नौजवानों का आदर करना सीखो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह आपसे इसलिए करने के लिए आया हूँ कि नौजवानों का भविष्य, जो नौजवान है उस पर इस देश का भविष्य है।
नौजवान पीढ़ी अगर बिगड़ गई, जिस गांव की बिगड़ गई वो गांव चला गया और जिस घर की बिगड़ गई वो घर बर्बाद हो गया। इसलिए नौजवान साथियों, आपकी दिशा और दशा आपको संभालनी है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये देश आप पे सुरक्षित है और आप पे ही निर्भर करता है। मैं एक दो दृष्टांत बताना चाहता हूँ, इतनी दूर से आए इसलिए आपका 5 मिनट का समय लूंगा। मैं समझता हूँ आप गायकों को सुनना चाहते हैं। मैं एक आपको दृष्टांत बनाना चाहता हूँ, इस देश के फौजियों का दृष्टांत बनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा और देखा होगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, इन्होंने एक बार अखबार में, इस देश का भविष्य है, नौजवान पीढ़ी अगर बिगड़ गई, जिस गांव की बिगड़ गई वो गांव चला गया और जिस घर की बिगड़ गई वो घर बर्बाद हो गया। इसलिए नौजवान साथियों, आपकी दिशा और दशा आपको संभालनी है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये देश आप पे सुरक्षित है और आप पे ही निर्भर करता है। मैं एक दो दृष्टांत बताना चाहता हूँ, इतनी दूर से आए इसलिए आपका 5 मिनट का समय लूंगा। मैं समझता हूँ आप गायकों को सुनना चाहते हैं। मैं एक आपको दृष्टांत बनाना चाहता हूँ, इस देश के फौजियों का दृष्टांत बनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा और देखा होगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, इन्होंने एक बार अखबार में पढ़ा होगा कि हमारे देश का शहीद था हेमराज, उस हेमराज का सर काट के पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान लेके चले गए थे। जब उसका हेमराज का शरीर आया, सर कटा हुआ, आधी बॉडी उसके गांव में आई तो उसकी मां ने उसका दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। एक वीर प्रसूता माता की मैं कहानी बताता हूँ। उस माँ ने कहा कि मैं इस बॉडी का दाह संस्कार नहीं करूंगी। पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने, सब लोगों ने पूछा कि माताजी आप इस बॉडी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करना चाहते, आप हेमराज के सर का क्या करोगे? तो उसने कहा, और हर माँ के लिए वो बात गर्व की है, उसने कहा कि मेरा बेटा मर गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देश पे बलिदान हो गया, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे हेमराज का सिर, उसका शीश इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि जब उस मेरे हेमराज ने दुश्मन को सामने देखा था तो उसकी आंखों में जो उतरा हुआ खून में देखना चाहती हूँ, उसके सीने में जो आग थी वो आग देखना चाहती हूँ, उसके माथे पर देश को बलिदान होते हुए जो गर्व की लकीरें आई थी वो लकीरें उसके माथे पर देखना चाहती हूँ। ऐसी वीर पुरुषोत्तम माताएं और बहनें जब इस देश में सुरक्षित है तो इस देश का कोई नहीं बिगाड़ सकता। और शहीद की कीमत वो लोग नहीं जानते जिसके घर में कोई भगत सिंह पैदा नहीं हुआ हो, शहीद की कीमत वो जानते हैं जिनके घर का बेटा गया हो, शहीद की कीमत वो बुढ़ा जानता है जिसकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई हो, शहीद की कीमत वो माँ की कोख जानती है। और शहीद की कीमत जानना चाहते हो तो उस जवानी में, भरी हुई जवानी में मांग का सिंदूर जिस युवती का उजड़ा उससे पूछ के देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो उस बहन से पूछिए जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई से, भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई, उस बहन को दर्द आप मालूम होगा, जब शहीद की कीमत आप लोगों को मालूम होगी। निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ और अंत में यही कहना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए भी जियो लेकिन अपने देश के लिए जो बंदा जीता है और अपने देश के लिए जो व्यक्ति समय देता है उसी का नाम होता है। जिंदगी के सिर्फ 3 पन्ने होते हैं, 3 पन्ने होते हैं, चौथा कोई पन्ना नहीं होता नौजवान साथियों और बुजुर्गों। एक पन्ना वो होता है जब आपका जन्म होता है।